वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गर्ल्स स्टडी स्टडी विद गुलक्षा एंड दिस इज द सीरीज फॉर सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल एंड टुडे वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के फीचर्स की, जिसमें कि हम बताएंगे कि सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह से हमारे लिए यूटिलाइज है और किस तरह से इसमें वर्क हमें इजी होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसकी फीचर्स में जो आती हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश। तो चैनल को कर लीजिए आज ही सब्सक्राइब, ताकि आपको पूरा ट्यूटोरियल टाइम पर देखने को मिले। और हमारी जो और सीरीज चल रही हैं और प्लेलिस्ट चल रही हैं, जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कंप्लीट हैं उसमें, और हमारी एमएस वर्ड 2019 का ट्यूटोरियल है जो भी चल रहा है, और हमारी बेसिक्स ऑफ मैथ्स की है, जूनियर मैथ्स की, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, जैसे परसेंटेज हो गया है, प्लेस वैल्यू, एलसीएम, एचसीएफ, और बहुत सारे टॉपिक्स आगे भी आने वाले हैं। बहुत ही ईजी वे में हमने समझाया है, बहुत ईजी टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें दिए हुए हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा एक सीरीज है जीके एंड करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको जीके के बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक्स और बहुत सारी उसमें आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिलती हैं। और साथ ही साथ एक है हमारी सीरीज टॉप 10 फैक्ट्स की, जिसमें आपको टॉप 10 चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जैसे टॉप 10 रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, या फिर टॉप 10 यूट्यूबर्स ऑफ इंडिया, इस तरह से बहुत सारी टॉप 10 बेस्ट 10 चीज़ें उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, तो ये सारे उसके फीचर्स हैं, पोर्टेबल, मिड लेवल, स्ट्रक्चर, रिच लाइब्रेरी, एक्सटेंसिबल, रिकर्जन, फास्टर, सिंपल, मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले कौन सा फीचर इसका आता है, सिंपल। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये बेसिक है एक्चुअली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सी इज अ सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस दैट इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू ब्रेक द प्रॉब्लम इन टू पार्ट्स, द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन डेटा टाइप्स, इसमें हमें बहुत सारे फंक्शंस लाइब्रेरी में ही मिल जाते हैं जिनको हम इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत सारे डेटा टाइप्स मिलते हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ये प्रोवाइड करती है हमें, जिसमें कि हम एक प्रॉब्लम्स को टुकड़ों में बांट कर भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं, पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, उनको हम इनहेरिट कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी टू सेंस है, इजी टू अंडरस्टेबल है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है। सबसे पहले बिगनर को सी लैंग्वेज ही सीखनी चाहिए। उसके बाद में आती है मशीन इंडिपेंडेंट और पोर्टेबल। ये मशीन इंडिपेंडेंट है, असेंबली लैंग्वेज की तरह डिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है कोई, एक पोर्टेबल प्लेटफॉर्म हमें देती है, जिस तरह से हम कहीं भी किसी भी मशीन पर इसके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अनलाइक असेंबली लैंग्वेज, सी प्रोग्राम्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट मशीन विद सम मशीन स्पेसिफिक चेंजेस, देयरफॉर सी इज अ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, क्योंकि हम इसके प्रोग्राम को किसी भी मशीन पर जाकर चला सकते हैं, बशर्ते कि उसमें सी कंपाइलर होना चाहिए बस, और कोई हमारी इसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि हमें किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए मशीन के लिए, किस तरह की मशीन होनी चाहिए, किस तरह का कंप्यूटर हमारा होना चाहिए, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होता कोई, किसी भी आप लैपटॉप सिंपल कंप्यूटर पर इसको चला सकते हैं। बस ये है कि इसमें आपका सी कंपाइलर, कोई सा भी कंपाइलर डला होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ना ही तो इतनी हाई है कि आपको समझी ना जाए, एक बिगनर को इसमें प्रोग्रामिंग करने में प्रॉब्लम हो, और ना ही इतनी लो लेवल है कि आपको अंडरस्टैंडिंग ही ना हो, ज़्यादा ही मशीन लैंग्वेज की तरफ ले जाती है, कोडिंग ज़्यादा मशीन लैंग्वेज पे है, हमारी इजी कोडिंग होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है, तो इसको हम मिड लेवल कह सकते हैं, ना ही लो लेवल लैंग्वेज है और ना ही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। तो सी इज इंटेंडेड टू लो लेवल प्रोग्रामिंग, इट इज यूज टू डेवलप सिस्टम एप्लीकेशन सच एज कर्नल ड्राइवर ईटीसी, तो इट इज सपोर्ट्स द फीचर्स ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मिड लेवल लैंग्वेज। तो ये हमारे जो है सिस्टम डेवलपमेंट के लिए और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जानी जाती है। लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सी लैंग्वेज में ही लिखा हुआ है, और इसके काफ़ी सारे फीचर्स हाई लेवल लैंग्वेजेस से भी मिलते हैं, जैसे मशीन इंडिपेंडेंट है और कंपाइलर बेस्ड है, तो इसमें
काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज की हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो लो लेवल लैंग्वेज की हैं, इसलिए इसको हम मिड लेवल लैंग्वेज कह देते हैं। उसके बाद आता है नया फीचर इसका, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स इन द सेंस दैट वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इन टू पार्ट यूजिंग फंक्शन। हम फंक्शन के थ्रू एक प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिर उनको इनहेरिट कर सकते हैं, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फंक्शन ऑल्सो प्रोवाइड कोड रियूजिबिलिटी, हमें एक कोड की रियूजिबिलिटी फंक्शन के थ्रू मिल जाती है। मान लीजिए हमने एक फंक्शन बनाया है, उसको हम किसी और क्लास में भी यूज कर सकते हैं, तो हमें रियूजिबिलिटी मिल जाती है। उसमें कुछ हम चेंजेस करके दोबारा एक नया प्रोग्राम बना सकते हैं, तो इस तरह से हमें इनहेरिटेंस का फंक्शन मिलता है, रियूजिबिलिटी का फंक्शन मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हो जाती हैं कि जिससे हम प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं उसको, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह देते हैं। उसके बाद हमारा एक आता है रिच लाइब्रेरी, सी प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन दैट मेक द डेवलपमेंट फास्ट। इसमें बहुत सारे हमें इनबिल्ट फंक्शन मिलते हैं, मीन्स उनका पहले से ही डिफाइन है कि इनका क्या काम होने वाला है, किस डेटा टाइप में किस तरह का डेटा स्टोर होगा। तो इस तरह से हमारे पास एक काफ़ी रिच लाइब्रेरी है, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है जो इसमें इनबिल्ट फंक्शंस, इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डेवलपमेंट को फास्ट कर सकते हैं। हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं, हम लाइब्रेरी से ही उठा सकते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है इसका, सपोज द फीचर ऑफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। इन सी लैंग्वेज वी कैन फ्री द एलोकेटेड मेमोरी एट एनी टाइम बाय कॉलिंग द फ्री फंक्शन। तो इसमें एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मिलता है, मतलब हम रन टाइम पे भी उसको एलोकेट कर सकते हैं और रन टाइम पे भी उसको फ्री कर सकते हैं। हम एक फ्री फंक्शन बना लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा जो मेमोरी होगी वो हमारी फ्री होती रहेगी। तो इस तरह से मेमोरी मैनेजमेंट इसका अच्छा है। उसके बाद स्पीड की बात करें तो कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ सी लैंग्वेज इज फास्ट, सिंस देयर आर लेसर इनबिल्ट फंक्शंस एंड हैज द लेसर ओवरहेड। तो काफ़ी सारा हमारा जो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम है एज कम्पेयर टू असेंबली लैंग्वेज में फास्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं जिन्हें हम इनबिल्ट ही यूज़ करके अपने एग्जीक्यूशन टाइम को, अपने रन टाइम को, कंपाइलेशन टाइम को बचा लेते हैं। पॉइंटर, सी प्रोवाइड्स द फीचर्स ऑफ पॉइंटर। वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। वी कैन यूज पॉइंटर्स फॉर मेमोरी स्ट्रक्चर्स फंक्शंस एरे। तो इसमें क्या है कि वी कैन यूज पॉइंटर्स फॉर मेमोरी स्ट्रक्चर फंक्शन एरे। इस तरह के पॉइंटर्स एक कीवर्ड होता है, इससे क्या होगा, वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर्स। हम डायरेक्टली इंटरेक्ट हो पाते हैं मेमोरी से, जैसे डेटा टाइप्स होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, लेकिन पॉइंटर के थ्रू हम डायरेक्टली इंटरेक्ट हो जाते हैं मेमोरी से। इसमें हम किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे मेमोरी के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए, फंक्शंस के लिए, या एरे के लिए, वेरिएबल्स के लिए। रिकर्जन क्या है, इन सी वी कैन कॉल द फंक्शन विद इन द फंक्शन। इट प्रोवाइड्स कोड रियूजबिलिटी फॉर एवरी फंक्शन। रिकर्जन इनेबल्स अस टू यूज द अप्रोच फॉर ऑफ बैक ट्रैकिंग। हम इसमें बैक ट्रैकिंग का फंक्शन अप्रोच यूज कर सकते हैं, और हम एक फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन कॉल कर सकते हैं। कोड की रियूजबिलिटी हमें मिलती है, एवरी फंक्शन ऑफ कोड रियूजबिलिटी हमें मिल जाती है इसमें, जिससे कि हम किसी भी फंक्शन को किसी भी और प्रोग्राम में रियूज कर सकते हैं उसको कॉल करके। रिकर्जन इनेबल्स अस टू यूज द अप्रोच ऑफ बैक ट्रैकिंग का अप्रोच इसमें यूज करने के लिए भी मिल जाता है। उसके बाद जो है एक्सटेंसिबल, सी लैंग्वेज इज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजीली अडॉप्ट न्यू फीचर्स। हम इसमें न्यू फीचर्स जो हैं वो इजीली ऐड कर सकते हैं, बहुत ही इजीली हम इसमें न्यू फीचर्स को ऐड कर लेते हैं और बहुत जल्दी ये उसको अडॉप्ट कर लेती है, और नए नए अपडेट्स इसमें आते रहते हैं। तो उस तरह से जो हमारा कंपाइलर हमने यूज़ करते हैं वो इजीली उनको अडॉप्ट कर लेता है। हम उसको अगर अपडेट करेंगे तो सारे फीचर्स उसमें आ जाते हैं और उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज के फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज की क्लास, जिसमें हमने आपको बताया कि सी लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स हैं। ट्यूटोरियल को आगे देखने के लिए, आगे पूरा प्रैक्टिकल और थियोरटिकल कंसेप्ट समझने के लिए आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और इसमें हमारी और जो ये ट्यूटोरियल्स चल रहे हैं, जैसे कि एम एस वर्ड 2019 है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, जूनियर मैथ, जीके एंड करंट अफेयर्स, टॉप 10 फैक्ट, ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और ये हमारे सोशल लिंक्स हैं, गुलशी स्टडी, जीके एंड स्टर्निंग फैक्ट्स, खबरी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल का नाम है जीके एंड स्टर्निंग फैक्ट्स। डेली मोशन पर हमारे चैनल है गुलशी स्टडी के नाम से। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए गुलशी स्टडी 719। फेसबुक पे आप हमें
फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी हमारा गूगल से स्टडी, और ये फेसबुक पे आप हमें गुल अफशा परवीन के नाम से सर्च कर सकते हैं। ये ट्यूटोरियल आगे पूरा प्रैक्टिकल विद थ्योरी, आपको पूरा जो कोर्स होता है सी लैंग्वेज का वो मिलेगा। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए देखने के लिए, अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके इंट्रेक्शन में है, जो लोग सीखना चाहते हैं सी लैंग्वेज, उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।